तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से एक और न्यू वीडियो में आ चुका हूँ। बहुत दिनों बाद यार ये वीडियो मैंने बनाई है और आज यार कुछ ज्यादा ही बढ़िया वीडियो मैंने बनाई है, आप देखना मजा आ जाएगा आपको देख के। भाई मैंने एक सोसाइटी में घर लिया जो कि यार आप देख सकते इतना बढ़िया घर है और ये पूरा मैंने घर जो है बहुत मेहनत से भाई कमाया। बोलो बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। आप देख सकते हैं और मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ जो कि आपको दिख रहा होगा सामने। सामने ये जादू है, ये जादू नहीं है भाई, पूरा ही जादू है ये भाई, सबसे बड़ा जादू ये मेरा है। इनने भाई इससे मैं कमा कमा के मैंने इतने रुपए कर लिए भाई, मैंने इतनी बड़ी हवेली तैयार कर दी। और ये आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है, बाहर अपन निकल भी सकते हैं यहाँ से, अभी तो मैं अंदर चलता हूँ, ये अपन बाद में सही करवाएंगे। अभी यार मुझे क्या लेना है, एक कार लेनी है, तो पहले मुझे अपना रिक्शा चलाना होगा भाई, एक बुकिंग पे लगी है तो मुझे वो जाना पड़ेगा, वहाँ से सवारी को ला के मुझे छोड़ना है। तो बुकिंग पे मैं सोच रहा हूँ थोड़े बहुत रुपये मिल जाएंगे, खर्चा निकल जाएगा भाई सब। तो अपन को कार खरीदनी, कार में बहुत बढ़िया कार खरीदूंगा जो कि यार मतलब हाईवे पे भी चले, सड़क पे भी चले और जैसे बिल्कुल ऑफ रोडिंग की जगह हो उसमें भी चले। तो चलते हैं भाई जल्दी से अपन। तो यार देख सकते हैं भाई साला क्या ये इसके, देखो एक तो बाल भी नहीं बढ़ते, बाल इतने कितने रहेंगे इसके और बढ़ेंगे तो इतने लंबे लंबे, पता नहीं क्या उसमें लग जाएगी चोटी ऐसी इतनी बुरी वो लगती है भाई, वो तो मुझे पसंद नहीं है। तो भाई अपन चलते हैं जल्दी से भाई, खड़ा क्यों है चलना, क्या देख रहा है इतनी देर से, गर्मी कुछ ज़्यादा भाई हो रही है भाई। मेरे इधर तो भाई 82 में बोलूँ यार 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा भाई साहब, इतना ज़्यादा देख के और इतनी ज़्यादा गर्मी में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, पंखे में वीडियो बना रहा हूँ। तो जल्दी चलते हैं भाई साहब। तो ये देख सकते हैं पुपाड़ी भी लगी है भाई इसमें तो हॉर्न के लिए, और अपना रिक्शा यार काफ़ी अच्छा है जो कि मैंने यार इतनी मेहनत से सब कुछ ये लिया है। और अभी मैं इसे और करके करके 4-5 रिक्शे बिल्कुल खड़े कर दूंगा और कमा कमा के 4-5 रिक्शे मुझे और लेना है। पहले मुझे एक कार लेनी है भाई। भाई रिक्शा स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है तो ये स्टार्ट हो चुका है। और भाई देख सकते हैं ये मेरे दोस्त का रिक्शा खड़ा है, उसका ये भाई घर इतना बड़ा, और रिक्शे में यार बहुत फ़ायदा है, पैसा बहुत है रिक्शे में चलाने में। तो ये मैं आ चुका हूँ, ये रिक्शा स्टैंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे स्टैंड है यहाँ पर बहुत सारे रिक्शे खड़े हैं और इधर उधर मतलब जाते हैं। तो अभी मुझे रेलवे स्टेशन पे जाना है, रेलवे स्टेशन पे मेरा सवारी मतलब मेरी सवारी खड़ी है, वहाँ से मुझे छोड़ना उनको लेके। तो जल्दी जल्दी मैं चलता हूँ और रेलवे स्टेशन थोड़ी सी दूर बचा है यहाँ पर। तो ये मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन। तो ये अपना रेलवे स्टेशन है बहुत बड़ा यार, कल्याण मतलब रेलवे स्टेशन नाम है इसका, और बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। और ये अभी ट्रेन मतलब चलने वाली है और ये रही अपनी सवारी, तो इसे मुझे छोड़ना जल्दी जाके। तो ये मैंने बैठा लिया सवारी को और ये देखो रेल मतलब चलती है, मतलब एकदम चलती है और रेल वो जा रही है, तो मुझे इनको छोड़ना है जाके, यही ट्रेन से ये आए थे। तो जल्दी जल्दी मैं छोड़ देता हूँ। तो ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, मुझे एयरपोर्ट पर इन्हें छोड़ना था, तो ये मैं एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, यहीं पर मैं छोड़ देता हूँ। और भाई जल्दी जल्दी मुझे यार जाना है और नहा धो के भाई मुझे सबसे पहले शोरूम पे जाना है वहाँ पर, तो भाई इन्हें मैं छोड़ देता हूँ, जल्दी भाई जाओ ना तुम। तो ये मैं सीएनजी डलाने आ चुका हूँ यार, यहाँ पर मुझे सीएनजी चाहिए, मतलब ख़त्म हो गई है सीएनजी, तो डली रहेगी तो वो सही है यार पहले से। और अपन को शोरूम पे रिक्शा ही लेके वैसे जाएंगे, टैक्सी नहीं कराएंगे, मतलब रिक्शा अपने पास रिक्शा है तो भाई क्या शर्माना रिक्शे से। तो जल्दी जल्दी मैं चलता हूँ और मुझे कुछ ऐसी गाड़ी लेनी है यार बिल्कुल यार स्टैंड में बढ़िया स्टैंड में हो और उसके भाई टायर थोड़े मोटे मोटे हों, मतलब मैंने थार सोची थी पर यार थार में आपको मैं वहीं पर चल के दिखाऊंगा कौन सी कार है, और जो कार होंगी वो आप मतलब मुझे कमेंट बताना आप कौन सी पसंद आई है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो पहले मैं चलता हूँ जल्दी से भाई, यहाँ पर यार ट्रैफिक भी बहुत होता है पर आज नहीं है ट्रैफिक, आज संडे वाला दिन है ना तो आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, सब अपने अपने घर पर होते हैं, वैसे यार ट्रैफिक बहुत होता है। तो मैं जल्दी चलता हूँ घर पर। तो ये मैं घर पे आ चुका हूँ भाई, थोड़ी दूर मेरा घर बचा है, ये मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं खड़ी कर देता हूँ अपनी रिक्शा, अंदर ले चलता हूँ भाई, अंदर ही ले चलता हूँ चीज़ें, कोई ले जाए भाई कुछ तोड़ ताड़ दे और मेरा ऑफर। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना ऑफर पे पहले मिलने ही रहे उसमें भी चला जाएगा। तो भाई यहीं पे ये है मेरा घर, अंदर मैं कपड़े बदल लेता हूँ जल्दी से। तो ये मैंने कपड़े बदल लिए और आप कमेंट करके बताना भाई कैसे कपड़े लग रहे हैं भाई, मस्त लग रहे होंगे मेरे कपड़े ये, तो मैं यार गंदे कपड़े में तो जा नहीं सकता, तो इसी में चलते हैं भाई जल्दी से अपन। और मुझे यार कुछ ऐसी कार लेनी जाके जो कि यार बहुत बढ़िया ऑफ रोडिंग में नंबर एक की कार हो, वो वैसी मुझे लेनी है कार बस, क्योंकि मुझे ऑफ रोडिंग पसंद है और उसकी मैं वीडियो भी लाऊंगा ऑफ रोडिंग की जो मैं कार लेने जा रहा हूँ। और चलो चलते हैं दिखाते हैं आपको, जल्दी जल्दी मैं जाता हूँ। तो ये मैं आ चुका हूँ और ये आप देखते ZX10R खड़ी है और ये कार शोरूम है बिल्कुल पास है, मैं आ चुका हूँ कार शोरूम के और मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एरिया पे अपनी ये रिक्शे को खड़ा कर देता हूँ। पहले मैं खड़ा कर देता हूँ कंस्ट्रक्शन एरिया में, यहीं पर अंदर खड़ा करूँगा भाई, जो कोई मतलब छेड़खानी नहीं करे मेरे रिक्शे से, क्योंकि यार पहली बात तो मैंने से ख़रीदा, दूसरी भाई मैं बहुत कमाता हूँ इससे, साफ सीधी बात है, मैं बहुत पैसा मेरे पास बहुत है इससे रिक्शे में, और आप भी चलाओ रिक्शा पैसा तो बहुत है भाई रिक्शे में। तो भाई मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ। तो ये रहा कुछ अपना, ये यहाँ पेड़ वेड़ बहुत लगे हैं यार, वैसे तो पेड़ कट रहे हैं, पेड़ के कटने की वजह से इतनी गर्मी हो रही है और अर्थ पे इतनी सारी यार मुसीबतें आ रही, तो वो सब पेड़ की वजह से, पेड़ भाई लगाओ ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाओ। और ये मैं आ चुका हूँ इसके अंदर कुछ ज़्यादा यार लग्जरी शोरूम है भाई साहब, लंबोर्गिनी, और ये कौन सी है भाई, KTM भी है यहाँ पर भाई, कितनी यार गाड़ियाँ यहाँ पर भाई, KTM धुआँ छोड़ रही है यार,
ये धुआई छोड़ती भाई, पुरानी है लग रही है मुझे KTM में ये। और ये RS 200 है शायद, हाँ RS 200 है ये वाली, तो वो तो मुझे लेना नहीं है, वो मुझे देखना भी नहीं है। तो यार ये लंबोर्गिनी और ये भाई इसका मैं नाम ही भूल जाता हूँ यार, जो भी हो आप देख लेना। और ऊपर चलते हैं, ऊपर भाई एक और कार है वो मुझे देखनी है, और कार में से जो ऊपर कार है उनमें से तीन शायद दो कार है वहाँ से मुझे देखनी है, और उसमें मैंने ऑर्डर पहले से कर दिए, आपको सेलेक्ट करना कौन सी बढ़िया लग रही है। तो ये दो कार है, मैं ये भी ले सकता हूँ और ये भी ले सकता हूँ, पर इधर वाली मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये वाली ऑर्डर करवाई अपनी कार। भाई यहाँ पर भी ZX10R खड़ी है मोटरसाइकिल बाइक, और ये मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से भाई लुक पूरा नीचे दिखता है, पूरा नज़ारा बढ़िया नीचे यहाँ से दिखता है। तो भाई ऐसा कुछ है कांच का भाई पूरा बना, बहुत बड़ा यार है यार ये कार शोरूम, पहले से अच्छा ये वाला कार शोरूम है। तो यार इसमें जो जिसका कार शोरूम होगा भाई बहुत पैसे वाला होगा वो। और ये वाली मैंने कार सेलेक्ट करी है, यहाँ पर मैं कुछ सामान भी रख सकता हूँ भाई, चार सीट, चार लोग मतलब चार लोग की बताई जाती है, वैसे पाँच लोग इसमें आ जाएंगे आराम से भाई, देख सकते हैं आप पीछे। और इसे मैं इतनी ऑफ रोडिंग कराऊंगा भाई, क्योंकि ऑफ रोडिंग वाली है ये वाली कार, ऑफ रोडिंग में नंबर एक की कार है भाई ये। मैं निकला यार कितना मज़ा आ रहा है यार इसे। और इसका मुझे कलर जो है ब्लैक में कराने वाला हूँ, उसे मैं बाद में कराऊंगा ब्लैक। और इसका जो फाइनेंस है वो भी मैं कराने चलता हूँ, सीधे फाइनेंस पे वाली पे जगह चलेंगे पहले, क्योंकि मुझे फाइनेंस कराना है ना, इसका फाइनेंस करा के भाई इसे मैं दौड़ाऊँगा बहुत। तो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं फाइनेंस कराने, इसका फाइनेंस कराना दुकान पर, वो मैं आपको शॉप दिखाने वाला हूँ, अभी चलते हैं शॉप पर उस फाइनेंस वाली। तो ये मैं आ चुका हूँ फाइनेंस वाली, सामने शॉप दिख रही है आपको, ये बिल्डिंग है शॉप तो बोल नहीं सकते, इसे पूरा शोरूम है, ये भी एक शोरूम है। तो यहीं पर अपन चलते हैं अंदर ऊपर। और भाई इसका एक गेट टूट चुका है, वो मेरी गलती की वजह से, वो चलो मैं बाद में डलवा लूँगा, नई नई कार है गेट टूट चुका कोई मतलब नहीं है उससे। तो ये कुछ ऐसी कार है भाई, इसे चलाने में काफ़ी मज़ा आता है भाई, ऑफ रोडिंग में ले जाओ ना ये कार तो भाई भागती है भाई, चलती नहीं भागती है सीधे ये। और ये थार से तो मुझे भाई बढ़िया लगी, इसे कहीं भी ले जाओ कुछ ज़्यादा मतलब भारी कार है यार एकदम बढ़िया लगती है। तो ये गेट टूट चुका है इसका। भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल करना सब्सक्राइब। भाई फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी भाई यार लाइक कर देना, और ज़रूर से कमेंट कर देना एक बढ़िया से, जो आपको वीडियो चाहिए भाई जो आप बताना मुझे, भाई ऐसी वीडियो अच्छी लगती है भाई वैसी वीडियो बनाऊंगा, आप बस कमेंट कर देना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय।